बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पुलाव। सबसे पहले हमने 5 किलो गोश्त लिए। अब एक बड़े देगचे में हम उसे डालेंगे, साथ में 5 से 6 चम्मच नमक भी डालेंगे। साथ में हमने कॉटन के कपड़े में सूखा धनिया, गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, साथ में प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, साथ में सौंफ 2 चम्मच, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके गिरा डाल के इसे हम डाल देंगे बीच में। साथ दूसरे देगचे में हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1.5 किलो। प्याज हमने तकरीबन 1 किलो लिया था, वो इसमें बारीक काट के डाल देंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम प्याज को निकाल के वो ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। टमाटरों को भी साथ में, टमाटर हमने 1.5 किलो लिए थे, अब उसी ऑयल में हम गोश्त को कुछ देर के लिए भूनेंगे। प्याज हमने निकाल दी है, गोश्त को भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब जो प्याज और टमाटर हमने ग्राइंड किए थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब टमाटरों का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इस गोश्त का सूप भी हमने सेपरेट कर लिया था। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ऑलरेडी हमने मसाले पहले भी इसमें नमक ऐड किया था, अब थोड़ा कम ही रखेंगे। हमने 3 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी, साथ में बिरयानी मसाला, साथ में 1 पैकेट पुलाव मसाला और खुश्क धनिया पिसी हुई और गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन 2 से 3 चम्मच। मसाला हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जो हमने सूप निकाला था, तकरीबन हमने 4 किलो चावल लिए होंगे, 5 किलो गोश्त है, इसमें हम 6 बाउल इसमें 1 किलो के पानी डालेंगे। अब हरी मिर्ची भी साबुत ऐड करेंगे इसमें। चावलों को हमने भिगो के रख दिए है तकरीबन 10 से 15 मिनट, वो इसमें ऐड करेंगे। चार किलो हमने चावल लिए थे। चावल हमने सारे डाल दिए, अब हम चम्मच हिलाएंगे और आंच हम तेज़ रखेंगे, ऊपर से कवर करेंगे ताकि दाम में ये अच्छी तरह से चावल गल जाए। चावल माशाल्लाह दम लगाने के बाद हमारे तैयार हो चुके हैं।
माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं चावल। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।